सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक मुख्य अपडेट मिली है और जो उस अपडेट को हम आपको देना चाह रहे हैं और वो अपडेट निकल कर के आ रही है प्रवक्ता के साक्षात्कार को लेकर के। प्रवक्ता के साक्षात्कार आरंभ होने से पहले उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो चयन बोर्ड साक्षात्कार के कार्यक्रम को तय कर रहा है उसमें एक दिन में 500 से 700 विद्यार्थी को इंटरव्यू जो है मतलब लेने का प्रयत्न चयन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है और इसमें मतलब जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और एक बड़ी अपडेट ये निकल कर के आ रही है कि TGT के परिणाम के फाइनल परिणाम के पहले, चूँकि हर विषयों का रिजल्ट बनाया जा चुका है, उस परिणाम के पहले आपकी आंसर की भी आनी है साथ में, तो जो कॉमन प्रश्न हो रहे हैं उनको लेकर के जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहुत सारे जो है सदस्य इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है सहमत नहीं हैं। तो रिजल्ट को फाइनल देने से पहले चयन बोर्ड जो है एक बार विशेषज्ञ कमेटी की समिति बनाया है और उसमें सभी विषयों के एक्सपर्ट आदि का राय फिर से लिया जाएगा और जो है उनसे सारी चीज़ें जो है स्पष्ट की जाएंगी कि कितने प्रश्नों को जो है फाइनल आंसर की में कॉमन रखा जाए और कितने प्रश्नों के विकल्प बदले जाएं। तो इस पर मंथन होगा, अवश्य होगा और इसकी विशेषज्ञ समिति जो है वो बन गई है और 1 से 2 दिन में 3 दिन में जो है मतलब इनके आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो उसके बाद ही आपको आपका TGT का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और एक मुख्य अपडेट हम आपको देना चाह रहे हैं, चयन बोर्ड इस कसमकस में है कि TGT का रिजल्ट आने के बाद कोई विवाद ना हो, है ना, किसी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। और जो है मतलब चूँकि हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी हुई हैं, उनकी सुनवाई है 4 तारीख को, तो इसमें जो है मतलब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या हो सकता है और क्या होगा, क्योंकि जब कोई मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है तो उसमें कुछ न कुछ फैसले तो ज़रूर होते हैं, है ना, कुछ न कुछ फैसले ज़रूर होते हैं, कुछ न कुछ निर्णय अवश्य आता है, कुछ विद्यार्थियों के अगेंस्ट आता है, कुछ जो है विद्यार्थियों के सपोर्ट में आता है। और इस मामले में जो मतलब फैसला आना है उसमें देखा जा सकता है कि उसमें विद्यार्थियों का कितना भला होगा और विद्यार्थियों का कितना नुकसान हो सकता है। ये तो मतलब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि जो है आपके सम्मुख जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके भविष्य से संबंधित, आपके भविष्य को प्रभावित करने वाली अवश्य होंगी। तो यही दो मुख्य अपडेट निकल करके आई थी। चयन बोर्ड ने सभी प्रवक्ता के सभी विषयों का पूरा कार्यक्रम तैयार कर रखा है और हो सकता है आज शाम को या जो है मतलब इस महीने के अंत तक आपको प्रवक्ता के शेष विषयों का परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। और बोर्ड इस चीज़ के लिए मतलब बच रहा है कि अधिक से अधिक विषयों में जो है वो कॉमन प्रश्नों की संख्या को कम रखें ताकि जो है किसी प्रकार के विवाद की स्थिति ना हो। और इसके लिए जो है उन्होंने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, एक्सपर्ट कमेटी का, जो कि TGT के सभी विषयों का, प्रवक्ता के सभी विषयों का एक बार से फिर से जो है मतलब मंथन करेंगे और आंसर की आदि को जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि कितने प्रश्न को जो है मतलब वो फॉल्ट किया जाए, फुल मार्क किया जाए और कितने प्रश्नों को जो है मतलब उनके विकल्प चेंज किए जाएं। तो फाइनल आंसर की देने के बाद आप जानते ही हैं आपत्तियां जो है उसमें नहीं ली जाती हैं, फिर एकमात्र रास्ता बच जाता है कोर्ट। विद्यार्थी अपनी आपत्तियों को लेकर के कोर्ट में जाते हैं और भर्तियां लटक जाती हैं। चूँकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसलिए जो है मतलब बोर्ड भी ये चाहता है कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो और अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से संतुष्ट किया जा सके, ये जो है प्रयत्न बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और आपको हम बता देना चाहते हैं विषयों में कितने पद बढ़ रहे हैं, कितने पद जो है वो जुड़ेंगे, इन सब का ऑफिशियल डाटा चयन बोर्ड अवश्य जारी करेगा। प्रवक्ता के फाइनल परिणाम के बाद आपको जो है स्पष्ट हो जाएगा कि प्रवक्ता में कितनी सीटें जुड़ी हैं, किन किन विषयों में, किन किन वर्गों में कितनी कितनी सीटें जुड़ी हैं। इसका फाइनल जो है फाइनली जो ऑफिशियल डाटा होगा वो प्रवक्ता के परिणाम आने के बाद होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है कि सर EWS की मेरिट जनरल से ज़्यादा है, तो हम उनको कह देना चाहते हैं भैया EWS की मेरिट जनरल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। वजह इसकी ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी प्रवक्ता में केवल और केवल जो है जनरल की कॉलिंग हुई, EWS की काउंटिंग उसमें नहीं हुई है। फाइनल परिणाम में आपको सभी विकल्प, सभी वर्ग दिखेंगे।
कुछ विद्यार्थियों ने आज कमेंट किया कि मतलब जो है आप एक ही जो है मतलब टॉपिक पे हमेशा वीडियो बनाते हैं। हम भाई से कह देना चाहते हैं, भाई मेरे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो है मतलब परीक्षा दे चुके हैं तो आप परिणाम के अपडेट को लेकर के परेशान रहते हैं कि परिणाम कब आएगा। आप सीटों के अपडेट को लेकर के रहते हैं कि हमारे विषय में कितनी सीटें आ रही हैं। आप जो है मतलब फुल मार्क क्वेश्चन को लेकर के अपडेट पाना चाहते हैं कि कितने फॉल्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। आप जो है ये जानना चाहते हैं कि मेरिट कितनी जा रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो और हर दिन आपको उसका अपडेट न्यू अपडेट पाना चाहते हो। वैसे ही जो विद्यार्थी मतलब तैयारियों में लगे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वैकेंसियाँ कब आ रही, कितनी आ रही, कब विज्ञापन आएगा, कैसा परीक्षा पैटर्न होगा, कब परीक्षा होगी, कैसा मतलब जो है कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए उनको भी जो है मतलब उनके लिए भी वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये मुख्य अपडेट निकल करके चयन बोर्ड से आई थी और मैंने इंटरवल में लंच में आपको जो है मतलब बताना उचित समझा, क्योंकि ये जानकारी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिली तो ये अपडेट हमने आपको दी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। सही तथ्यपरक और सत्य प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपना स्नेह, अपना विश्वास, अपना भरोसा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।